रसगुल्ला कहाँ जा रहे हो? शर्वरी कहीं पे जा रही हो? कहीं इंटरव्यू देने के लिए तो नहीं जा रही हो? हाँ जोया, इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। डर गया, इसके इंटरव्यू हफ्ते में 2-3 बार तो होते होंगे, एक में भी रिजल्ट नहीं आता, इंटरव्यू में जाके करते क्या? यही करते होंगे, इसलिए रिजेक्ट कर देते हूँ। ऑल द बेस्ट, इस बार बहुत अच्छे से करना। थैंक यू। शर्वरी जी, कहाँ चली सवारी? इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ चाचा जी। अच्छा, इंटरव्यू के लिए? बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। ऑल द बेस्ट शर्वरी जी। थैंक यू। इंटरव्यू के आगे मैडम की गाड़ी बढ़ती। शर्वरी जी, जस्ट इग्नोर देम, हेटर्स ऑलवेज हेट यू बट लवर्स ऑलवेज लव यू। अब लवर आई मीन सपोर्टर ऑलवेज सपोर्ट्स यू। आवारा बुढ़ा दीवाना। आती हो? हाँ, इस बार तो आपको जॉब लग ही जाएगा। आपको तो हर बार ही ऐसा लगता है चाचा जी। ओहो, कहाँ जा रही हो इतना सच दस के? लगता है जॉब के लिए जा रही हो। इंटरव्यू, सॉरी, जॉब तो तुम्हारे पास है नहीं। पता नहीं इन दोनों के क्या जानी दुश्मनी है। इंटरव्यू के लिए जाती हो बस? वैसे अब तक कितने इंटरव्यू हो गए तुम्हारे? 10, 20, 100, 1000? बहुत एक्सपीरियंस होगा ना इंटरव्यू का, क्योंकि इंटरव्यू के आगे तुम जाती ही नहीं। तुम ना अपने ऊपर एक किताब ही लिखो, माय लाइफ माय इंटरव्यू। उसमें तुम्हारे इंटरव्यू का सब कुछ डाल दो। क्या है जो करते हैं ना क्रैक, मुझे बस समझ में नहीं आता, एस्पिरेंट्स, उनके लिए काफी काफी अच्छी साबित होगी तुम्हारी बुक। बुक निकालो, तुम्हारी लाइफ ऐसी है ना शॉर्वरी, बस इंटरव्यू इंटरव्यू इंटरव्यू। ऐसा क्या मोटिवेशन मिलता है तुम्हें और किससे मिलता है जो इतना गिर के भी वापस उठ जाती हो और इंटरव्यू देने के लिए चले जाती हो? बस करो। माना जिद ठीक है पर जबरदस्ती बिल्कुल ठीक नहीं है। कितने सारे रिश्ते ऐसे ही तोड़ दिए, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। छोड़, मुझे क्या करना है, जाओ अपना इंटरव्यू दो, कहीं मेरी वजह से लेट ना हो, फिर बाद में बोलूंगी या आपने मेरा टाइम वेस्ट किया। चाचा, इंटरव्यू के लिए जा रही हो? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो मैं ड्रॉप कर देता हूँ। ये पता नहीं किस किस को ड्रॉप करेगा। अरे ड्रॉप करने का धंधा ही खोल दे तू। शर्वरी को ड्रॉप करना है, शीला को ड्रॉप कर दिया, वो शीला ने तुझको अपनी जिंदगी से ड्रॉप कर दिया, शर्वरी ने सबसे पहले कर दिया, तू उनको कर ड्रॉप। तुझको समझता है सोसाइटी का टॉपर, टॉपर नहीं ड्रॉपर है ड्रॉपर। कुछ तो बोलो, मैं तुम्हारे साथ बात कर रहा हूँ। माँ के आगे तो जबान चलती नहीं इसकी। यह है तेरी दोस्ती, अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला उसने। मेरी दोस्त। माँ, उसको काफी टेंशन था इसलिए उसने मेरे साथ बात नहीं की। और क्या जरूरत थी उसको ड्रॉप करने की? अकेली जाती है ना वो, जाने थे। वैसे भी उसको आदत है अकेले इंटरव्यू देने जाने की, इसके पहले भी बहुत बार गई है वो इंटरव्यू देने के लिए। बराबर कहा अपने अभिजीत की मम्मी जी, हर बारी तो जाती है वो इंटरव्यू देने के लिए, उसको बड़ी आदत है, किसी की जरूरत नहीं उसको। बस इंटरव्यू देना आता है उसको, उसके आगे क्या होता है बेचारी को पता नहीं। इस बार उसको अपनी मेहनत का फल जरूर मिलेगा और शर्वरी को इस बार जॉब जरूर लगेगा। एक मिनट, अभिजीत तू इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल सकता है उसको जॉब लगेगा? कहीं तूने कुछ सेटिंग तो नहीं कर दी? अभिजीत तूने कहीं? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात थी तो जब वो मेरे पास आई थी तभी मैंने उसको जॉब दे दिया होता। और सुमित्रा जी, आप ये आग लगाने का काम कब बंद करोगे? ले भाई, कहाँ लगा रही हूँ मैं आग? नहीं, मेरे हाथ में तो उसको तीली दिख रही है, माचिस दिख रही है, कैसे लगाऊंगी मैं आग? सुमित्रा, तुझे क्या जरूरत है माचिस और तीली की? तेरे पास ज्वालामुखी जैसा मुंह जो है। अभिजीत की मम्मी जी हमारे घर पे आई है ना चाय पीने के लिए, कभी आती नहीं आप। सुना है आपके घर में शक्कर की कमी होती है,
इसलिए नहीं आती मैं आपके घर में चाय पीने के लिए, मेरी वजह से आपकी शक्कर खत्म ना हो जाए। क्या कर रही है? बस माँ, मिश्र दीदी जी को जॉब लग जाए इसलिए जॉब लगा टोटका कर रही हूँ। टोटका नंबर 313, जॉब लग जा टोटका। आप भी कीजिए मेरे साथ, लग जाएगा शनि जी को जॉब। मिस ब्यूटीफुल के लिए कुछ भी करना है मुझे। पहले घूमना है आपको, फिर जैसा धरती चक्कर काटती है सूरज का वैसा करना है। एक ऐसा हाथ हो। अब मैं बोलिए, जॉब लग जा, 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 जॉब लग जा। हाँ कुबी। यस सर, दैट या आई नो इट, बट नाउ आई कांट डू एनीथिंग। एक्सक्यूज मी। यस। मैं वो इंटरव्यू देने के लिए आई थी। व्हाट इज योर नेम? मेरा नाम शौरवड़े चक्रवर्ती। योर टाइम इज अप मैम, आपको जल्दी आना चाहिए था, लेट हो चुका है बहुत। वो ट्रैफिक बहुत था और मेरी जो ओला थी उसका ड्राइवर का गाड़ी बंद पड़ गया, इसलिए देर हो गया। अभी तो सर नहीं है, आई कांट डू एनीथिंग राइट नाउ। क्या बात कर रहे हो आप, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। जब सर आएंगे तब मेरा इंटरव्यू होगा ना? देखिए मैम, यू हैव टू कम ऑन टाइम, ओके? हमने आपको कल ही टाइम बता दिया था किस टाइम को आपको आना है, आप लेट हो गया तो अभी हम कुछ नहीं कर सकते ना। राइट नाउ हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जो रूल्स है उसी के हिसाब से हमको चलना पड़ता है। रूल ये कहता है अगर आप लेट हो तो उसी टाइम आप रिजेक्ट, ओके? मैं आपको रिजेक्ट कर देती हूँ। देखिए ऐसा मत कीजिए, मैंने तो इंटरव्यू दिया नहीं है, आपने सर कैसे मुझे रिजेक्ट कर सकते हो? कर दिया। आई नो मुझे समय पर आना चाहिए था पर ट्रैफिक में मैं फंस गई। आई एम रियली सॉरी। देखिए प्लीज़ मुझे एक मौका देके दिखिए, मैं सब प्रिपरेशन करके आई हूँ। बस मैम आप समझ नहीं रही, मेरी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है, प्लीज़ आप कुछ कीजिए ना प्लीज़। जेनिफर एक बार सर को कॉल कर दो ना। हेलो सर। हे दुखा माँ, प्लीज़ मेरी इस बार हेल्प करना, मुझे आपकी हेल्प की सख्त ज़रूरत है। हाँ जो नहीं आया था वो आ गया है, क्या करना है? ओके ओके, यू आर वेरी लकी सर, ले रहे आपका इंटरव्यू। सीधा जाके लिफ्ट मुड़िए, सर का केबिन है, सर अभी आते ही होंगे, जैसे आएंगे आपका इंटरव्यू लेंगे। गो। ए फाइल दे। फाइल दे मेरे। क्या खड़े हो, छोड़ो फाइल को, फाइल को छोड़िए प्लीज, छोड़िए फाइल को। आप उन्हें इग्नोर कीजिए, वो थोड़े से है, आप जाइए केबिन में। गुड मॉर्निंग सर। इट्स नॉट मॉर्निंग। सॉरी, गुड आफ्टरनून। आप लेट हो। हाँ वो ट्रैफिक बहुत था इसलिए लेट हो गया। पता है मिस, मिस मिसेस, मिस मिस, मैं यहाँ पे पिछले 5 सालों से काम कर रहा हूँ एंड आपके जैसे कई सारे एम्प्लॉयज हैं हमारे ऑफिस में जो ऐसे ही बहाने देते हैं रोज, एंड आप तो काम पे आने से पहले ऐसे बहाने दे रहे हो। What if अगर मैंने आपको यहाँ पे आज इंटरव्यू में नौकरी दे दी और आप भी ऐसी बार 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 मेरे सामने आपने कुछ भी फालतू के रीजंस लाके पेश कर दिए तो हमारी कंपनी कैसे आगे बढ़ेगी? I am really very sorry sir, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। Well, सबका यही स्क्रिप्ट होता है। छोड़ो जी, इससे पहले किसी कंपनी में थी? No. कोई पास्ट एक्सपीरियंस? नहीं। फिर तो बड़ी प्रॉब्लम है जी। क्यों? देखो साफ सीधी गलत, मैं मेरी कंपनी में बस उन्हीं लोगों को रखता हूँ जो एक्सपीरियंस्ड हो। देखिए सर, आई रिक्वेस्ट यू, आप मेरे ऊपर विश्वास रखे, देखिए एक मौका दीजिए, आई विल डेफिनेटली प्रूव माय सेल्फ। सॉरी बट नो सॉरी जी, मैं आपको नहीं रख सकता, यू कैन गो। फिर मेरे चेयर पे बैठ गए। ओ पापा जी सॉरी। नहीं बार मैं तेनों दस दिया है, मेरे चेयर दे नाल मत बैठा कर, मत बैठा कर। व्हाट
उजी में प्रैक्टिस कर रहा था जी, वो प्रैक्टिस, वो आपने कहा था ना 5 साल बाद आप रिटायरमेंट हो रहे हो तो ये कुर्सी तो मैनू मिलेगी ना। कुर्सी का तो पता नहीं पर अभी तो यहाँ से नहीं उठा तो तेन चमाट जरूर दूंगा बड़े बड़े। सॉरी मिस, जी माफ करना जी, वो मेरा पुत्र। इट्स ओके। वैसे बहुत लेट हो गया आपको। हाँ वो ट्रैफिक बहुत था सर, मैंने कोशिश की बट लेट हो गया। वो तो रोज ही लगता है जी, आपको जल्दी निकलना चाहिए था घर से। निकली थी सर, बहुत जल्दी निकली थी पर वो। खैर छोड़ो और टाइम वेस्ट नहीं करते, आपका नाम बताइए। शौरवरी। पूरा नाम? शौरवरी चक्रवर्ती। अच्छा, क्वालिफिकेशंस? यू रही फाइल। ओ पापा जी, वो मेरा पेन रह गया जी। की करता है तू पेन? पकड़ खड़ा की है, जा इंटरव्यू लेने दे। मैंने देख रहा हूँ आप कैसे इंटरव्यू ले रहे, आगे जाके मुझे भी लेना है ना। शर्वरी चक्रवर्ती जी, कहाँ से हो आप? आई एम फ्रॉम कोलकाता। ओ जी वहाँ पे तो रसगुल्ले होते हैं ना? जी हाँ। आप बनाती हो रसगुल्ले? यस मुझे आते हैं। ओए पापा जी, मम्मी जी को कॉल कर दो। क्यों? मम्मी कितनी बार कोशिश करती है, कभी उनके चंगे नहीं बनते। इनसे जैसे भी सीख लेंगी हमारा भी फायदा है, वैसे भी आपको तो बड़े पसंद है ना रसगुल्ले। कितनी बार मैं तेनू दसा है, काम की जगह पे काम के बात कर पकौड़े। क्या चल रहा है जी? हाँ जी शर्मरी जी, तो काफी सारे डिग्रीज है आपके पास? यस सर। एक गल मेरे पल्ले नहीं पड़े। क्या? कोलकाता में आप रहती हो यार, जॉब के लिए यहाँ पे क्यों? आपको सुनने में जोरा सा अटपटा लगेगा पर बचपन में मेरी माँ ने एक पंडित जी से पूछा था कि मेरा फ्यूचर कहाँ अच्छा होगा, तो उन्होंने कहा जिस शहर में वो पैदा हुए हैं वहाँ तो उसका फ्यूचर कॉपी नहीं बनेगा, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना कोलकाता से बाहर ट्राई करूँ। इन सब बातों पे आप विश्वास रखती हो? मेरा इन सब बातों पे विश्वास है। कितने सालों से जॉब सर्च कर रहे हो? 4 साल हो गए। 4 साल? ये बात काम आई? अगर ऐसी बात थी जी तो अब तक तो आपको जॉब लगना चाहिए था। मैंने ऐसा लगता है अगर आप अपने शहर में होते तो अब तक आपको जॉब लग जाती। आपने इससे पहले भी बहुत सारे इंटरव्यू दिए होंगे। यस सर। कहाँ पे कमी रह गई? सर मुझे ऐसा लगता है मेरा काम है इंटरव्यू देना, अभी इंटरव्यू में मैं सक्सेसफुल क्यों नहीं होती ये मुझसे ज्यादा जो इंटरव्यू ले रहे हैं उनको अच्छे से पता होगा। इम्पॉसिबल। जब आप इंटरव्यू देते हो ना आपको पता चल जाता है आपके अंदर क्या कमी है, और जो इंसान उसको एक्सेप्ट करता है वही इंसान सक्सेसफुल बनता है। सर मैंने जहाँ जहाँ मुझे कमी लगी वहाँ पे सब जगह पे इम्प्रूव किया है बट रिजल्ट ही नहीं मिलते, तो कहीं ना कहीं मैं भी अंदर से थोड़ी टूट सी जाती हूँ। So do you have any past experience? इससे पहले कभी काम किया है? No. I am sure आपने एटलीस्ट किसी प्राइवेट कंपनी में तो जरूर 5-6 महीने के लिए काम किया होगा। नहीं सर। थोड़ा सा भी नहीं, ऑनलाइन बहुत सारे ऑप्शन है, ऑनलाइन आपने ट्राई किया? मेरा पहले से फोकस नॉर्मल जॉब्स पे था, कोरोना के बाद से ऑनलाइन की तरफ लोगों ने ज्यादा रुख किया बट आई बिलीव कि मैं जैसे शुरुआत की है वैसे ही कंटिन्यू रखो, इसलिए मैंने ऑनलाइन की तरफ इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया। सॉरी। देखिए मिस शर्वरी जी, मैं ऐसे बंदों को रखना चाहता हूँ, ऐसे लोगों को रखना चाहता हूँ जिनके पास एटलीस्ट पिछले 1 साल का एक्सपीरियंस हो, बिकॉज हमारी कंपनी में काम कुछ ऐसा है ना जो बहुत तेज होता है एंड आई नीड दैट क्विक पर्सन, समझ रहे हो आप? बुरा मत मानना। और आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको कम से कम 1 साल जाएगा एक्सपीरियंस आने के लिए, तब तक हमारी कंपनी में बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, और अगर उसमें आप अपना प्रदर्शन अच्छा ना दिखा पाए तो इट्स आवर लॉस। आप जो भी बात बोल रहे हैं वो एकदम सच है पर सर आप प्लीज मुझे एक मौका देके देखिए, आई विल डेफिनेटली प्रूव माई सेल्फ। मौके देने के लिए मैं यहाँ पे नहीं बैठा हूँ जी, मुझे मेरे कंपनी में एक्सपीरियंस बंदे चाहिए। सर बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं, या आपने पीछे जो सारे तस्वीरें लगाए हैं जो भी अच्छे अच्छे थॉट्स हैं क्या इन सब के ऊपर आप विश्वास रखते हो? हाँ जी, इन सभी बातों पे मेरा विश्वास है और इसीलिए मैंने इनको लगाया है। तो वैसा ही विश्वास आप प्लीज
मेरे ऊपर रख के देखो, ये जो सारी चीजें लिखी है ना, इनसे मैं काफी रिलेट करती हूँ। पिछले 4 सालों से मैंने हमेशा फेलियर देखा है। वहां पे एक और थॉट भी लिखा है, जैसे आपने कहा कि आपकी कंपनी में बहुत तेजी से काम होता है और शायद से मैं वो हैंडल ना कर पाऊँ। सो इट्स गोना बी हार्ड, बट हार्ड डज नॉट मीन इम्पॉसिबल। सबसे ऊपर वो थॉट लिखा है जो मेरे दिल को छू गया, देयर आर फार बेटर थिंग्स अहेड देन एनी विल लीव बिहाइंड। मैंने मेरी जिंदगी में बहुत सारे सैक्रिफाइस किए हैं सर, बहुत बड़े बड़े जो मैं सोच भी नहीं सकती। पिछले 4 साल में मेरी जिंदगी किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं रही है। मैं ये चाहती हूँ मुझे जॉब मिले सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। मैं वापस पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहती सर। एक लड़की को इस समाज में बहुत कुछ सुनना पड़ता है। मेरी अभी शादी करने की उम्र है, मेरी अभी जॉब करने की उम्र नहीं है, कब तक तुम्हें जॉब नहीं लगेगा, कब तक तुम नल्ले घूमोगी, ये सारी बातें मुझे नहीं सुननी है सर। और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। रुको जी, आ जाइए कल से। पक्का? पक्का जी, पक्का। थैंक यू सो मच सर। माय प्लेजर। बाहर जेनिफर होगी, उससे एक बार आप बात कर लेना। ओके सर।